हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक टाइप का वीडियो लेकर आया हूं। गाइस, आप देख सकते हैं आज मेरे सामने यहां पर रखा है बहुत ही अमेजिंग स्पाइडर मैन का कलेक्शन और यहां पर रखा है बेन 10 का कलेक्शन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पाइडर मैन और बेन 10 का बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक कलेक्शन दिखाने वाला हूं। आज मेरे पास यहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज रखे हैं, तो कुछ टॉयज मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे बेन 10 की बबल मशीन वाली, मतलब बबल गन है, और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी स्वॉर्ड है। यहाँ पे बेन 10 की वॉच है, बेन 10 की प्रोजेक्टर वॉच है, बेन 10 की रिमोट कार है, बेन 10 का वॉकी टोकी है, मॉन्स्टर ट्रक भी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास स्पाइडर मैन वाला ड्रोन रखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं स्पिनर रखा हुआ है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वीडियो गेम है। देखो गाड़ी वाली वॉच रखी हुई है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो गाइस, आपको सिंपली करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत सारी लगातार बनाता रहूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा स्पाइडर मैन। ये देखो हमारे पास है यहां पर एक बहुत ही प्यारा स्पाइडर मैन, जो कि आप देख सकते हैं, है ना। और गाइस, ये नॉर्मल स्पाइडर मैन नहीं है, बहुत ही स्पेशल स्पाइडर मैन है। देखो ये देखने में इतना ज्यादा अमेजिंग है कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो गाइस, वन बाय वन मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखो मैंने इसको निकाल लिया बाहर। और गाइस ये देखो, हमें इसके साथ कुछ इस तरह का स्पाइडर मैन का जाला यानी कि नेट भी मिलता है। ये देखो, और यहां पर हमारे पास है स्पाइडर मैन। वाओ, ये देखो है ना, स्पाइडर मैन को आप देख सकते हैं, इसकी गर्दन पूरी घूम जाती है गाइस 360 डिग्री। और गाइस देखो, इसके हाथ पूरे मूव हो जाते हैं, पैर भी मूव होते हैं गाइस। ये देखो है ना, ओवरऑल आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी ऑसम है, और जो हमारा स्पाइडर मैन है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखो है ना, साथ में हमें नेट मिलता है गाइस, मुझे मिला है 150 रुपीज का। यहाँ पे बटन है, अगर मैं बटन दबाऊंगा तो गाइस देखो इसके अंदर लाइट जलती है। तो 150 रुपए का स्पाइडर मैन है गाइस, आप देख सकते हैं काफी कूल दिखाई देता है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और मेरे पास है यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल स्पाइडर मैन वाला कुछ इस तरह का बहुत ही अमेजिंग वीडियो गेम। ये देखो, इसके अंदर हमें बैटरी डालनी होती है, तो बैटरी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। और जो हमारा वीडियो गेम है वो आप देख सकते हैं, पूरा स्पाइडर मैन वाला पैटर्न इसके फेस पर बना हुआ है। अब गाइस देखो, यहाँ पे काफी सारे बटन है, यहां से अगर हमें वीडियो गेम खेलनी है तो यहां से इसको खोलेंगे। और गाइस ये देखो, हमारी वीडियो गेम चालू हो जाएगी। देखो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है। और गाइस ये देखो है ना, इसके अंदर काफी सारी गेम आपको देखने को मिलती है, और जो कि आप यहां से खेल सकते हैं। गाइस ये देखो, ये देखो एक गेम मैंने चालू कर ली है। आजकल तो कोई ये वाली गेम नहीं खेलता, बट गाइस पहले बहुत खेली जाती थी, आप देख सकते हैं, है ना, बहुत ही प्यारी सी गेम है। आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको खेल रहा हूं। ये देखो वाओ, बहुत ही प्यारी गेम है गाइस। और इस तरह की बहुत सारी गेम इसके अंदर ऑलरेडी है जो कि आप खेल सकते हैं, बट जो इसका एक्चुअल जो डिजाइन है स्पाइडर मैन वाला, इसकी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको ये गेम 200 से 300 रुपए के बीच में आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं आपको बेन 10 टॉय दिखाता हूं गाइस। ये देखो मेरे पास है यहां पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर ट्रक, जो कि बेन 10 मॉन्स्टर ट्रक है, आप देख सकते हैं। और गाइस ये मुझे 120 रुपीज का मिला है। इसको कुछ इस तरह से चलाया जाता है। ये देखो, इसके पहले गाड़ी के टायर देखो गाइस कितने बड़े हैं। एक टायर को घुमाऊंगा तो चारों टायर घूमेंगे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल है, मॉन्स्टर ट्रक है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉन्स्टो लिखा हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही हैवी ट्रक है गाइस। अगर आप इसे फर्श पे रख के चलाओगे ना गाइस, धक्का मार के, बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलता है ये। और गाइस ओवरऑल आप देख सकते हैं कैसा ही दिखाई देता है, 120 रुपीज का टॉय है। और हमारे पास यहाँ पर बेन 10 का एक एलियन, ये देखो, जो कि एक्चुअल में एक इरेजर है, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। ये देखो, जो कि एक्चुअल में एक इरेजर है। और गाइस ये देखो, जो हमारा एलियन है कितना बड़ा है ना, ये देखो वाओ, बहुत ही बड़ा इरेजर है गाइस। और जो इसका डिजाइन है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो है ना, पूरा एलियन बना हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं। और इसके जितने भी पार्ट हैं आप इनको अलग भी कर सकते हो, यहां से खींच खींच के, हाथ अलग, पैर अलग, आंख अलग, सब अलग हो जाता है, पर गाइस फिलहाल मैं अलग नहीं कर रहा हूं। और गाइस ये पूरा का पूरा ही इरेजर है, ये आपको 50 से 70 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। इसका कलर डिजाइन आप देख सकते हैं, साइज आप देख सकते हैं। और अगर आप इसे पेंसिल का लिखा हुआ इरेज करना चाहें तो कहीं से भी इरेज कर सकते हैं, मतलब ये पूरी की पूरी इरेजर है, तो गाइस ये कहीं से भी इरेज कर सकता है। और आप देख सकते हैं कितना सुपर कूल ये दिखाई दे रहा है ना। इसको मैं यहां पे रखता हूं। और मेरे पास है यहां पर एक बेन 10 का वॉकी टॉकी। ये देखो गाइस वाओ, ये मुझे 500 रुपए के आसपास मिला है। आप देख सकते हैं यहां पे बेन 10 लिखा हुआ, बेन 10 बना हुआ, वॉकी टॉकी क्लियर साउंड यहां पे लिखा हुआ है ना। अगर आप कभी वॉकी टॉकी यूज किया तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज मैं आपको ये वाली वॉकी टॉकी दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। और गाइस ये कहां से ओपन हुआ देख लेता हूं। देखो यहां से इसको खोल लेते हैं। और गाइस यहां पे देखो इसको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में यहां पे अच्छे से लिखा हुआ है। और ये देखो यहां से मैंने इसको निकाल लिया बाहर, तो पहले इस कागज को यहां पे रखते हैं है ना। और गाइस जब मैं आपको वॉकी टॉकी निकाल के बाहर दिखाता हूं, ये देखो बहुत ही प्यारी वॉकी टॉकी है गाइस, आप देख सकते हैं है ना। और यहां पे बेन 10 का पूरा पैटर्न बना हुआ है, यहां पे एंटीने बने हुए हैं, यहां से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं गाइस। ये देखो
इसके अंदर गाइस वो बैटरी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। इसके अंदर ना थोड़ी अलग टाइप की बैटरी मिलती है, सेल वाली बैटरी नहीं होती है, थोड़ी अलग टाइप की बैटरी होती है जो कि इसके अंदर ऑलरेडी मैं डलवा के लाया था। और गाइस आप देख सकते हैं कैसी दिखाई देती है, यहाँ पे वॉकी टॉकी क्लियर साउंड लिखा हुआ है। अब मैं ना इससे साउंड इसके अंदर आपको बताता हूँ कि कैसे जाता है। मान लो को हम वॉकी टॉकी को यूज कर रहे हैं और थोड़ा दूर है एक दूसरे से, तो वॉकी टॉकी को बच्चे कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे बटन है इससे ऑन करेंगे, यहाँ पे बटन है इससे ऑन करेंगे और ये दोनों ऑन हो गए, देखो साउंड आने लग गया है। अगर मैं इस वॉकी टॉकी में बोलूंगा तो इसके अंदर साउंड आएगा। बोलने के लिए ना हमें ये वाला बटन दबा के रखना पड़ेगा, देखो मैं ये वाला बटन दबाता हूँ, ये बटन मैंने दबाया और अब देखना भाई। सो गाइस आप देख सकते हैं इस वाले वॉकी टॉकी से मैंने बोला तो इसके अंदर क्लियर साउंड आया। अब मैं इससे बोलूंगा इसके अंदर साउंड आएगा, ये सो गाइस आप देख सकते हैं दोनों वॉकी टॉकी किस तरह से वर्क करती है। और इनकी सबसे ज्यादा स्पेशल बात है कि गाइस वन क्लिक में ये बंद हो जाती है, देखो एक सेकंड में ये बंद हो जाती है, एक सेकंड में ये चालू हो जाती है। बहुत ही आराम से साउंड इसके अंदर आराम से चला जाता है और इसकी रेंज भी 100 मीटर के आसपास होगी। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप इस वॉकी टॉकी को यूज करना चाहते हैं तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती है ना। और गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पर एक बेन 10 की स्वॉर्ड, ये देखो बेन 10 की तलवार जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेन 10 एलियन फोर्स लिखा हुआ है और गाइस ओवरऑल आप देख सकते हैं कैसी ये दिखाई देती है। और देखो यहाँ पे एक बटन है, अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो गाइस ये देखो इसके अंदर से साउंड आता है और लाइट जलती है गाइस ये देखो, और अंधेरे में तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। देखो सो गाइस ये देखो कितनी प्यारी लाइट जलती है और 3-4 डिफरेंट टाइप के साउंड इसके अंदर से आते हैं। देखो बहुत ही प्यारी है गाइस, आप देख सकते हैं ओवरऑल इसका डिजाइन वगैरह कलर वगैरह देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल है ना। बहुत ही प्यारी स्वॉर्ड है बेन 10 की गाइस, को मैं यहां पर रख लेता हूं। और हमारे पास यहां पर बेन 10 की कुछ इस तरह की ये देखो बबल गन, जिसको हम बबल स्टिक भी कह सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं बेन 10 बना हुआ है, बेन 10 लिखा भी हुआ है। और गाइस इसके अंदर से हम कुछ इस तरह से बबल्स बना सकते हैं, देखो इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है। और गाइस देखो हम इसको यहां से बाहर निकालेंगे, ये देखो, और मैं इसको हिलाऊंगा तो इसके अंदर से लिक्विड से बबल बनते हैं गाइस, ये देखो आप देख सकते हैं 2-4 बबल बनाए मैंने, है ना। बट गाइस स्क्रीन में ज्यादा बनाऊंगा ना तो जिसका लिक्विड है सामान के ऊपर गिर जाएगा, देखो अगर मैं इसको आउटडोर में यूज करूंगा तो गाइस बहुत ज्यादा बबल मैं आपको इसके अंदर से बना के दिखा सकता हूं, ये देखो। और गाइस बबल फिलहाल नहीं बन रहे, बट गाइस आपने इस तरह की स्टिक जरूर यूज की होगी जिसके अंदर से इस तरह से बबल बनते हैं। अगर मैं इसको आउटडोर में चलाऊंगा तो बहुत ज्यादा बबल्स बना सकते हैं क्योंकि बाहर है, मतलब इसको अच्छे से हिला पाऊंगा, स्क्रीन में अच्छे से नहीं हिला पा रहा हूं। बट गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बेन 10 वाला पैटर्न है इसके ऊपर, इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। और हमारे पास है गाइस स्पाइडरमैन के बहुत सारे टॉयज, जैसे कि गाइस ये देखो स्पाइडरमैन का स्पिनर है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। अब मैं आपको स्पिनर घुमा के दिखाता हूं गाइस, इसके अंदर साउंड भी आता है और लाइट भी जलती है, ओवरऑल देख सकते हैं कैसा ये दिखाई देता है। ये मुझे 120 रुपीज का मिला है, यहां पर आप देख सकते हैं लाइट लगी हुई है, यहां पर भी लाइट लगी है और यहां पर देखो स्पाइडरमैन का पूरा पैटर्न बना हुआ है। अब इसको चलाते हैं 3, 2, 1 गो। और गाइस ये देखो ये घूमता है, इसके अंदर से साउंड आता है। और गाइस ये देखो यहां पे बंद हो गया क्योंकि ये चीजों से टकरा रहा है, तो मैं एक बार और आपको घुमा के दिखा दूं। बहुत ही प्यारा स्पाइडरमैन वाला स्पिनर है गाइस, यहां पे चलाते हैं इसको दोबारा से 3, 2, 1 गो। और गाइस ये देखो ये नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से वर्क करता है, ये तो आपको पता चल ही गया है ना। बहुत ही प्यारा है गाइस, इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। और हमारे पास है यहां पर स्पाइडरमैन की कुछ इस तरह की बहुत ही प्यारी सी गाड़ी, ये देखो है ना। और गाइस ये गाड़ी नॉर्मल गाड़ी नहीं है, बहुत ही स्पेशल गाड़ी है क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। देखो पहले आप इसके टायर देखो, है ना, टायर आप देख सकते हैं यहां से भी ये स्पाइडरमैन दिखाई देता है, इधर से भी ये स्पाइडरमैन दिखाई देता है। और गाइस ये उल्टा सीधा आगे पीछे हर तरीके से चल सकता है। अब देखो मैं इसका एक टायर घुमा रहा हूं तो गाइस इससे चारों टायर घूम रहे हैं गाइस, ये देखो एक टायर से चारों टायर घूम रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब गाइस इसका कमाल देखो, ये देखो इतनी ज्यादा पावरफुल है ना गाइस ये कि हाथ के अंदर भी 3-4 टर्न मार देती है, देखो। और गाइस नीचे गिर गई है, ये देखो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी बहुत ही पावरफुल गाड़ी है गाइस ये देखो। अगर आप इसे फर्श पे चलाओगे ना फुल फोर्स के साथ, जब ये दीवार के आसपास जाएगी तो गाइस खुद ही घूम के वापिस आ जाएगी, ये देखो
टर्न मार के वापिस आ जाएगी या फिर दीवार के ऊपर घूमती रहेगी जब तक इसकी स्पीड खत्म नहीं होती है। और गाइज आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका डिजाइन है ना, बहुत ही प्यारी। और हमारे पास यहाँ पे एक और गाड़ी है सेम इसी पैटर्न की, बट गाइज ये यहाँ से अलग स्पाइडरमैन है, यहाँ से देखो अलग स्पाइडरमैन है। ये देखो दोनों के साइज में काफी डिफरेंस है, बट गाइज देख सकते हैं आप दोनों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये आपको 120 रुपीज के आसपास मिलेगी, 100 रुपीज के आसपास मिलेगी। और गाइज आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है ना, दोनों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। और मेरे पास है यहाँ पर कुछ इस तरह का स्पाइडरमैन वाला चाबी का छल्ला, ये देखो कितना कूल दिखाई दे रहा है गाइज, आप देख सकते हैं है ना, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। स्पाइडरमैन कितना ज्यादा क्यूट है, छोटा बेबी स्पाइडरमैन है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और मेरे पास है यहाँ पर एक स्पाइडरमैन वाला कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा, ये देखो फ्रेंडशिप बैंड, और कहिए नॉर्मल फ्रेंडशिप बैंड नहीं है, इसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो अभी हम इसको एज अ स्केल यूज कर सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं स्केल वाला पैटर्न इसका बन गया, यहाँ पे देखो स्पाइडर बना हुआ है। और अगर हम इसको इसके अंदर वापस लगा दें तो हम इसको फ्रेंडशिप बैंड की तरह यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखो अगर आप इसे अपने हाथ पे मारोगे तो गाइस ये कुछ इस तरह से आपके हाथ के ऊपर आ जाएगा। और गाइस मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो इसको हमने सीधा किया, मान लो ये सीधा हो गया है ना। अब गाइस ये देखो ये कुछ इस तरह से आपके हाथ पर स्पाइडरमैन की तरह आ जाता है, मतलब फ्रेंडशिप बैंड की तरह आ जाता है, और बहुत ही कूल है गाइस ये। इसका डिजाइन देखो, इसको पहनने का तरीका देखो कितना ज्यादा अमेजिंग है। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बेन 10 वाले टॉय। अब ये देखो हमारे पास है यहाँ पर एक बेन 10 वाला कुछ इस तरह का एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो पूरी बेन 10 की टीम वगैरह यहाँ पे बनी हुई है, बेन 10 एलियंस भी बने हुए हैं। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, बहुत ही प्यारा है गाइज। और गाइज ये देखो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, इसके अंदर एक स्पेशल बात है, ये नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, इसके अंदर एक स्पेशल बात है। सबसे पहले तो गाइज देखो यहाँ पे एक बटन है, अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो गाइज देखो यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे इसके अंदर शार्पनर लगे हुए हैं, और यहाँ से अगर आप इसे ओपन करोगे तो शार्पनर आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप पेंसिल डाल के पेंसिल शार्प कर सकते हो। और गाइज दो अलग अलग शार्पनर है, एक पेंसिल को लॉन्ग पॉइंट शार्प करता है, एक पेंसिल को शॉर्ट पॉइंट शार्प करता है ना। और गाइज अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ तो गाइज ये देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो कैलकुलेटर लगा हुआ है, और यहाँ पे स्पेशल लाइट लगी हुई है। ये देखो लाइट को आप अंधेरे में यूज कर सकते हो, मान लो अगर आप अंधेरे में स्टडी कर रहे हो तो गाइस ये देखो इसकी लाइट को आप यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा रोशनी इसके अंदर से आती है। और गाइस इसकी जो ये डंडी है इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो, देखो है ना, बहुत ही स्पेशल है गाइस, आप देख सकते हैं इसको आप यहां से सेट कर सकते हो। और जो इसका कैलकुलेटर है वो घूम के बाहर भी आ जाता है गाइस कुछ इस तरह से, देखो ये देखो कैलकुलेटर बाहर आ गया, मैं आपको कैलकुलेटर यूज करके दिखाता हूं। देखो यहां से मैंने इसको ऑन कर लिया, आराम से ऑन हो गया, 5 × 8, ये देखो इज इक्वल 40, आप देख सकते हैं 40 यहां पे आ गया है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ये देखो 4 × 8, ये देखो 32 है ना, आप देख सकते हैं कैलकुलेटर अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहां पे इसको आप ऑन ऑफ सब कुछ कर सकते हैं। और तो और गाइज अगर आप इसे घुमाओगे तो गाइज ये देखो जो बाहर है ना ये 3D वाला पैटर्न बना हुआ है, ये देखो वाओ बहुत ही औसम है गाइज। तो आप देख सकते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितने सारे फंक्शन है, एक यहाँ पे 3D वाला पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे शार्पनर बना हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेटर बना हुआ है, यहाँ पे लाइट है। एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपको ये सारे फीचर देखने को बहुत ही कम मिलने वाले हैं। तो 150 रुपए इसका प्राइस है गाइज, और दूसरी साइड से भी ओपन होता है, यहाँ पे 1 से 9 तक टेबल लिखी है गाइज, आप देख सकते हैं ये देखो है ना। तो गाइज एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इतने सारे फंक्शन है। और सेम इसी तरह का मेरे पास एक और बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स है गाइज, ये देखो ये भी बेन 10 ज्योमेट्री बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहां पे आप अपनी नेम एंड क्लास लिख सकते हैं। और ये उससे डबल बड़े साइज का ज्योमेट्री बॉक्स है, यहां पर 1 से 9 तक टेबल लिखी हुई है। यहां से आप इसको बंद करोगे तो गाइज ये देखो यहां से आप इसको ओपन कर सकते हो, है ना, यहां पे कैलकुलेटर लगा हुआ है सेम उसी ज्योमेट्री की तरह, और ये भी अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहां पे 4 बटन है, देखो यहां से दबाऊंगा तो शार्पनर ओपन होगा, यहां से दबाऊंगा तो ट्रे ओपन होगी, यहां से एक और, यहां से एक और, ये देखो 4-4 अलग कंपार्टमेंट इसके अंदर ओपन होते हैं। एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इतने सारे फंक्शन है ना। ये आपको 200 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। और हमारे पास है गाइज यहां पर बहुत सारे स्पाइडरमैन वाले टॉय जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो यहां पर है गाइज कुछ इस तरह का स्पाइडरमैन वाला बहुत ही बड़ा पेंसिल, ये देखो यहां पर कितना बड़ा स्पाइडरमैन इसके ऊपर बना हुआ है, और ये बहुत ही बड़ी पेंसिल है। और गाइज मैं आपको बता दूं ये पेंसिल होने के साथ साथ एक्चुअल में एक पेंसिल पाउच है, या फिर हम इसको ज्योमेट्री बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखो यहां से अगर आप इसे ओपन करोगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, ये देखो है ना, आप इसके अंदर पैसे रख सकते हैं, पेन पेंसिल कलर वगैरह इरेजर वगैरह कुछ भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। और जिसका पेंसिल वाला डिजाइन है ये इसके लुक को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बना देता है ना, इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। और मेरे पास है गाइस यहां पर देखो स्पाइडरमैन वाला कुछ इस तरह का स्टेशनरी सेट, जिसके अंदर हमें बहुत सारे स्पाइडरमैन वाले पैटर्न वाले टॉय देखने मिलने वाले हैं, मतलब चीजें मिलने वाली है, टॉय तो नहीं है गाइस ये क्योंकि ये स्टेशनरी सेट है। तो मैं आपको दिखाता हूं ओपन करके कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सो गाइस ये देखो यहां से मैंने इसे कर लिया ओपन, और गाइस ये देखो वाओ
इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो गाइस ये देखो, यहाँ पे हमें इसके अंदर 6 कलर मिलते हैं जो कि वैक्स क्रियोन्स कलर्स होते हैं, है ना। बहुत ही प्यारा कलर का सेट मिलता है यहाँ पे। स्पाइडरमैन वाले इरेजर, स्पाइडरमैन वाला शार्पनर, स्पाइडरमैन के पैटर्न वाली ये पेंसिल मिलती है गाइस। देखो स्पाइडरमैन लिखा हुआ है इसके ऊपर, और स्पाइडरमैन के पैटर्न वाला यहाँ पे एक स्केल देखने को मिलता है, और स्केल की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ऑसम होती है गाइस इस वाले की, है ना। कितना भी आप इसको बैंड कर लो ये इतनी जल्दी टूटता नहीं है, ज्यादा बैंड करोगे तब टूटेगा, हल्का बैंड करोगे तो नहीं टूटेगा। और गाइज ये देखो स्पाइडरमैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो गाइज, वाओ कितना बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स और कितना ऑसम है, है ना। ओवरऑल आप देख सकते हैं एक स्टेशनरी सेट के अंदर में कितनी सारी चीजें देखने को मिलती है। इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। और हमारे पास है गाइज कुछ इस तरह का एक बहुत ही अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला वॉच, जो कि गाइज आप देख सकते हैं। और गाइज स्पाइडरमैन ये गलती से कैप्टन अमेरिका वाला है नहीं गाइज, ये देखो स्पाइडरमैन वाला है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे स्पाइडरमैन लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका बना हुआ है ना, तो मुझे लगा कि गलती से मैं कैप्टन अमेरिका वाली ले आया हूँ। बट गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ये जो वॉच है, ये बहुत ही स्पेशल बहुत ही यूनिक टाइप की वॉच है। ऐसी वॉच आपको शायद ही देखने को मिलने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये स्पेशल क्यों है। ये देखो यहाँ पे हमें इसके अंदर कुछ इस तरह से एक गाड़ी मिलती है, और एक ये देखो कुछ इस तरह से, देखो ये देखो एक गाड़ी हमारे पास, और यहाँ पे एक पट्टा है, पट्टे पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइडरमैन बना हुआ है, यहाँ पर भी स्पाइडरमैन बना हुआ है। और जो इसकी वॉच है, ये है इसकी वॉच, गाड़ी वाले डिजाइन वाली वॉच, और सामने से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। कितना स्पेशल है गाइस ये देखो, स्पाइडरमैन एंग्री है मतलब गुस्से में लग रहा है। और गाइस ये देखो ये गाड़ी है, और गाइस ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये चलती भी है। अब ये चलती कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो इसे आपको फर्श पे रखना है और पुश बैक करना है कुछ इस तरह से, ये देखो पुश बैक करोगे तो गाइस ये चलती है और कुछ इस स्पीड से चलती है गाइस, आप देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बैटरी डाउन हो गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर हम टाइम नहीं दे सकते हैं। और गाइस इसका प्रोजेक्टर देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। और गाइस ये देखो इसका प्रोजेक्टर वर्क करता है, अगर आप इसके प्रोजेक्टर को दीवार पर यूज करोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे आप कैरेक्टर देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह का बटन है जिससे आप इसके प्रोजेक्टर के कैरेक्टर बदल सकते हो। ये देखो अभी फिलहाल मेरे चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी है, इसलिए आपको ढंग से कैरेक्टर विजिबल नहीं होगा, और आप इस कैरेक्टर का साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस बेंटन के पास भी ऐसी वॉच है, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रोजेक्टर कैसे वर्क करता है। और गाइस इसको फिलहाल यहां पे रख लेते हैं, और मैं आपको इसको वॉच दिखाना तो भूल ही गया। देखो इसको वॉच कैसे बनाएंगे, देखो यहां से इसका लॉक लगा हुआ है, आपको इस गाड़ी को यहां पे रखना है और यहां पे दबाना है देखो, जिसके बाद गाइस ये कुछ इस तरह की वॉच बन जाएगी। ये देखो बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल वॉच है, देखो गाड़ी वाले डिजाइन वाली स्पाइडरमैन वॉच। और गाइस ये ऐसी वॉच है जिसकी गाड़ी चलती है, ऐसा नहीं है कि इसकी गाड़ी सिर्फ देखने के लिए गाड़ी है, इसकी गाड़ी से आप टाइम भी देख सकते हैं, ये गाड़ी चलती भी है और इसके अंदर से प्रोजेक्टर भी वर्क करता है। ये इसकी स्पेशल बात है गाइस कि तीन तीन फंक्शन इसके अंदर से अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। अब गाइस मैं आपको बेंटन वाली वॉच दिखाता हूँ। ये देखो हमारे पास है यहाँ पर बेंटन की कुछ इस तरह की वॉच, ये देखो ये न्यू कलेक्शन लिखा हुआ है, बेंटन ओमनीवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जल्दी से इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं गाइस। ये देखो वॉच को मैंने निकाल लिया है बाहर, और गाइस इस तरह की वॉच आपको 100 से 120 रुपीस के आसपास आराम से अवेलेबल हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे बेंटन बना हुआ है, यहाँ पे बेंटन बना हुआ है। इसके पट्टे की क्वालिटी देखो, जो ये वाली वॉच होती है ना, इसके पट्टे की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा औसम होती है, और जब इसको हाथ में पहनते हैं तो काफी कूल दिखाई देती है। बेंटन ओमनीवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ओवरऑल आप पट्टा देख सकते हैं दोनों साइड से कितना औसम है। और जो इसका वॉच का फेस है, ये देखो बेंटन का फेस यहाँ पर बना हुआ है, जो कि काफी ज्यादा कूल काफी ज्यादा स्पेशल दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। ये देखो है ना, और तो और अगर हम इसके अंदर टाइम देखना चाहे तो यहां से हम इसको ओपन कर सकते हैं गाइस। ये देखो है ना, यहां पे आप देख सकते हैं 2:38 इसके अंदर हो रखे हैं, यहां से आप इसके अंदर टाइम भी सेट कर सकते हो गाइस। ये देखो यहां पे आप इसके अंदर टाइम भी सेट कर सकते हो, और यहां पे जो बटन है इसको दबाओगे तो इसके अंदर साउंड एंड लाइट आता है कुछ इस तरह से। ये देखो वाओ, अंधेरे में ये लाइट एंड साउंड बहुत ज्यादा कूल लगता है, और अंधेरे में जो इसकी लाइट की रोशनी है वो सच में काफी ज्यादा होती है। ये देखो भाई है ना, काफी ज्यादा होती है। और गाइज अगर आपने इस तरह के अलग अलग कैरेक्टर वाली वॉच यूज किए तो कमेंट में बताना। यहां पर मेरे पास स्पाइडरमैन वाली भी है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। और गाइज ये देखो यहां पे हमारे पास बेंटन की प्रोजेक्टर वॉच है, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये आपको 100 से 120 रुपीज के आसपास मिल जाएगी, और गाइज ये देखो कुछ ऐसी ये दिखाई देती है। अब गाइज ये देखो मैं आपको इसका पट्टा पहले ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो कितना चौड़ा इसका पट्टा है, बेंटन अल्टीमेट एलियन यहाँ पे लिखा हुआ है। और गाइज ये देखो यहाँ पे ना इसके पीछे स्ट्रैप लगा होता है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी खराब नहीं होती, बैटरी डाउन नहीं होती है। जब हम इस वॉच को यूज करना चाहें तो हम इसकी वॉच के पट्टे को हटा के
इसकी बैटरी का कागज निकाल सकते हैं ताकि इसकी बैटरी ऑन हो जाए। और गाइस देखो इसकी बैटरी ऑन हो गई है। अब गाइस ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बेंटेन वाला पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे दो बटन है, अगर आप इन बटन का दबाओगे तो आप इसके अंदर से टाइम सेट कर सकते हो, देखो कुछ इस तरह से है ना। और यहाँ पे प्रोजेक्टर बना हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्टर का बटन है, अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो गाइस ये देखो कुछ इस तरह से इसके अंदर से कैरेक्टर बाहर आते हैं। और टोटल 24 कैरेक्टर आप दीवार पर देख सकते हो है ना, 24 कैरेक्टर एक वॉच के अंदर से बाहर आते हैं। तो चलिए गाइस इसको दीवार पर अंधेरे में चला के देख लेते हैं। सो गाइस बेन 10 की प्रोजेक्टर वॉच मेरे हाथ में है ना, और गाइस ये देखो कुछ इस तरह से इसके अंदर से लाइट बाहर आती है। और गाइस बटन दबा रहे हो तो लाइट बाहर नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। ये देखो गाइस लाइट बाहर आने लग गई है। और गाइस ये देखो अगर मैं इसकी लाइट को दीवार पर डिस्प्ले करूंगा तो गाइस ये देखो कुछ इस तरह से इसके ऊपर हमें बेन 10 दिखाई देता है, ये देखो है ना। और गाइस जितनी बार आप बटन दबाएंगे उतनी बार एक अलग कैरेक्टर आपको दीवार पर डिस्प्ले होगा। टोटल 24 कैरेक्टर इसके अंदर से बाहर आते हैं। और गाइस ये देखो अगर मैं इसको दीवार के पास ले जाऊंगा तो कुछ इस तरह से इसका साइज छोटा हो जाता है, और दूर ले जाऊंगा तो कुछ इस तरह से बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब ये दीवार पर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। और गाइस आप देख सकते हैं काफी दूर से मैं इस प्रोजेक्टर वॉच को यूज कर रहा हूं, और देखो टोटल 24 कैरेक्टर आपके सामने मैं बना रहा हूं। और गाइस ये देखो कुछ इस तरह से वर्क करती है। वाओ कितने सारे एलियन इसके अंदर से बाहर आ रहे हैं गाइस, ये देखो जितनी बार मैं इसके प्रोजेक्टर का बटन दबा रहा हूं उतनी बार कैरेक्टर बाहर आ रहे हैं गाइस, ये देखो अलग अलग वो भी कितना औसम है। सो गाइस अगर आपने कभी प्रोजेक्टर वॉच यूज किया तो कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ये देखो बहुत ही औसम है गाइस, मजा आ गया इसको यूज करके। सो गाइस आपने देखा कि ये वॉच कितनी ज्यादा औसम है, इसके कैरेक्टर कितने अमेजिंग तरीके से आप दीवार पर देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, मजा आ गया है ना। इसको मैं यहां पर रख लेता हूं। और गाइस हमारे पास है यहां पर एक बेन 10 की नॉर्मल वॉच, ये देखो है ना, आप देख सकते हैं बेन 10 की नॉर्मल वॉच है। मैं आपको दिखाता हूं ये कैसी नॉर्मल वॉच है, ये देखो कुछ इस तरह की ये दिखाई देती है। पट्टे पे पूरे पे बेन 10 बना हुआ है, यहां पर बेन 10 बना हुआ है, यहां पर बेन 10 बना हुआ है। और गाइस ये देखो अगर आप इसके अंदर टाइम देखना है तो यहां पर आप टाइम देख सकते हैं, ये देखो यहां से आप टाइम सेट कर सकते हो, आप देख सकते हैं दो बटन से। और इस वाले से इसके अंदर लाइट एंड साउंड जलता है, देखो लाइट कितनी ज्यादा उस समय लाइट ब्लिंक कर करके जलती है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ये दिखाई देती है, अगर आप इसको अपने हाथ पे पहनोगे तो गाइस ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। जिन बच्चों को बेन 10 पसंद है ये वॉच उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है ना। और ग्लोसी बेन 10 यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है। तो गाइस तीन मैंने आपको बेन 10 वाली वॉच दिखाई है आज के इस वीडियो में, और मेरे पास यहाँ पे एक बेन 10 की रिमोट कंट्रोल कार है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले गाइस ये देखो हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल टॉय जो कि है स्पाइडरमैन वाला कुछ इस तरह का ड्रोन, ये देखो। अब गाइस ये नॉर्मल ड्रोन नहीं है, अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको 500 रुपए के आसपास ही अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ हमें कुछ इस तरह का चार्जिंग केबल देखने को मिलता है, और हमें मिलता है ये देखो सबसे स्पेशल चीज जो कि है गाइस स्पाइडरमैन वाला हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन हम इसको कह सकते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये दिखाई देता है, ये देखो इसकी पंखड़ी देखो गाइस आप है ना, वाह बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की इसकी पंखड़ी है। और गाइस देखो अगर आप पंखड़ी बेंड करोगे तो टूटेगी नहीं। और गाइस इसकी स्पेशल बात है जब ये हेलीकॉप्टर की चीज से टकराता है तो जब इसकी स्पीड होती है वो खुद रुक जाती है और पंखड़ियों को कुछ भी नहीं होता है। तो इसको ऑन करके देखते हैं गाइस, ये देखो ऑन करा तो लाइट जल गई है। और गाइस ये देखो वाह बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, आप देख सकते हैं। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर एक और स्पेशल बात क्या है। मान लो ये उड़ रहा है ना, और ये किसी चीज से टकराता है तो क्या होगा, देखो ये मैंने इसको चालू किया, अब मान लो ये फ्लाई करना शुरू कर दिया। और गाइस देखो मैं अपने हाथ से इसको रोकने की कोशिश करूंगा, और गाइस ये देखो आराम से मैंने इसको अपने हाथ से रोक लिया है। और गाइस ये बंद हो जाएगा जब ये किसी से टकराएगा, तो आप इसको बंद करके दोबारा से चालू करेंगे तो दोबारा से चालू हो जाएगा। और मान लो दोबारा से टकराता है कुछ इस तरह से, तो गाइस इसकी पंखड़ियां टूटती नहीं है, एक तो पंखड़ियां फ्लेक्सिबल है, और गाइस ये बंद हो जाता है जिसकी वजह से पंखड़ियां टूटती नहीं है। और गाइस ये बहुत ही अच्छे तरीके से उड़ते हैं, मैं आपको उड़ा के भी दिखाता हूं गाइस, ये देखो। और मैं इसको छोड़ूंगा ना गाइस, ये देखो ये फ्लाई करता है कुछ इस तरह से, देखो। और गाइस ये देखो यहाँ पे ये बंद हो गया, देखो टकरा के खुद ब खुद बंद हो गया है ना। और देखो मैं इसको बंद करूंगा दोबारा चालू करूंगा तो चालू हो जाएगा गाइस, ये देखो। और गाइस जब ये फ्लाई करेगा गाइस, ये देखो वाओ गाइस स्क्रीन से बाहर भाग रहा है, आप देख सकते हैं है ना, ये देखो। और गाइस बहुत दूर चला गया, तो मैं उठा के लाता हूं गाइस इसको, ये देखो। सो गाइस फिलहाल मैं आपको इसको अच्छे से उड़ा के नहीं दिखाने वाला हूं, किसी और वीडियो में अच्छे से उड़ा के दिखाऊंगा। बट गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग इसका पैटर्न है ना, स्पाइडरमैन वाला जो इसका डिजाइन है सच में काबिले तारीफ है। इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। और गाइस मेरे पास है यहां पर कुछ इस तरह की स्पाइडरमैन के फेस वाली वॉच, ये देखो है ना बहुत ही अमेजिंग है, देखो स्पाइडरमैन का पूरा पैटर्न यहां पे बना हुआ है। और गाइस ये भी म्यूजिक एंड लाइट वाली वॉच है। और गाइस अगर इसकी प्रोजेक्टर वॉच भी है मेरे पास, प्रोजेक्टर वॉच भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो। पहले आप ये वाली वॉच देखो,
ये वाली वॉच आपको 100 से 120 रुपीस के आसपास मिल जाएगी। प्रोजेक्टर वॉच का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है, स्पाइडरमैन का फेस बना हुआ है। हाथ में पहनोगे तो गाइस ये कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है। वाओ कितनी ज्यादा उस समय गाइस आप देख सकते हैं, है ना। और तो और गाइस ये देखो इसका पूरा डिजाइन देखो कितना ज्यादा उस समय है ना, हाथ में पहनने के बाद काफी कूल दिखाई दे रही है। और अगर आप इसको यहां से ओपन करोगे तो गाइस ये देखो यहाँ पे आप इसके अंदर टाइम सेट कर सकते हो, टाइम देख सकते हो, और यहाँ पे इसके अंदर से म्यूजिक एंड लाइट आता है कुछ इस तरह से। बहुत ही अमेजिंग है गाइस, जाना आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा लाइट एंड साउंड है। अंधेरे में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, और अंधेरे में तो गाइस ये पूरा फेस इसका ग्लो करने लगता है इसकी लाइट की वजह से। ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वॉच है, बहुत ही बड़े साइज की है। इसको गाइस मैं यहां पे रख लेता हूं। और गाइस सेम इसी तरह की मेरे पास प्रोजेक्टर वॉच भी है, ये वाली प्रोजेक्टर वॉच भी मैं आपको यूज करके दिखाने वाला हूं। और गाइस ये देखो पहले प्रोजेक्टर वॉच को बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं गाइस का प्रोजेक्टर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, क्योंकि गाइस कभी कभी इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। देखो बैटरी के पीछे यहाँ पे स्ट्रैप लगा हुआ है, और इस स्ट्रैप को हटाएंगे तो इसकी बैटरी एक्टिव हो जाएगी। अब इसकी बैटरी एक्टिव हो गई है और जो वॉच है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ये भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, और इससे पहले भी वाली भी आप देख सकते हैं। दोनों का साइज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, डिजाइन में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट गाइस दोनों काफी कूल दिखाई देती है। और गाइस देखो ये वाली कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पे इसका प्रोजेक्टर भी बना हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्टर बटन बना हुआ है ना, काफी कूल है। और गाइस यहाँ से इसको ओपन करोगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर थोड़े अलग फीचर है। देखो यहाँ से आप बटन से टाइम सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसके प्रोजेक्टर के कैरेक्टर चेंज करने के लिए कुछ इस तरह का स्लाइडर बना हुआ है। और गाइस देखो यहाँ पे बटन है, अगर मैं बटन दबाता हूं तो गाइस ये देखो कुछ इस तरह से कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, ये देखो है ना। और गाइस यहां से आप कैरेक्टर चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। वाओ बहुत ही औसम है। तो चले गाइस इसके कैरेक्टर भी हम दीवार पर देखते हैं कि कितने अमेजिंग दिखाई देते हैं। तो गाइस स्पाइडरमैन की प्रोजेक्टर वॉच मेरे हाथ में, और गाइस ये देखो यहां से मैंने इसको ओपन करा है, और जैसे ही मैं इसका बटन दबाऊंगा तो गाइस ये देखो दीवार पर आपको कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, और थोड़ा गाइस ये ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है पता नहीं क्यों, बट गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं इसके कैरेक्टर को चेंज कर सकता हूं। देखो कुछ इस तरह से रोशनी इसके अंदर से बाहर आ रही है ना। और गाइस ये देखो दीवार पर कुछ ऐसे दिखाई देती है, ये देखो है ना। और जब मैं इसका कैरेक्टर चेंज करता हूं तो कुछ इस तरह से इसका कैरेक्टर चेंज होता है। वाओ टोटल 8 या 10 कैरेक्टर इसके अंदर हम देख सकते हैं, बट गाइस कितने ज्यादा औसम दिखाई देते हैं। और गाइस ये देखो अगर मैं इसको दीवार के पास ले जाऊंगा तो कैरेक्टर बहुत छोटा हो जाता है, और गाइस अगर इसको दीवार से दूर ले जाऊंगा तो कुछ इस तरह से कैरेक्टर बड़ा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से प्रोजेक्टर वॉच वर्क करती है ना। और गाइस रोशनी इसके अंदर से किस तरह से बाहर आती है ये भी आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा औसम है। और गाइस ये देखो अब ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, मजा आ गया इसको यूज करके। सो गाइस अगर आपने कभी कोई प्रोजेक्टर वॉच यूज की है कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज आपने देखा कि इसके कैरेक्टर कितने ज्यादा अमेजिंग है ना, बहुत ही अमेजिंग वॉच है गाइज। ये दोनों ही वॉच मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, प्रोजेक्टर वाली। और गाइज हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह का स्पाइडर मैन वाला बहुत ही अमेजिंग सा एक पेंसिल पाउच। और गाइज ये देखो ये आपको 100 से 150 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। और गाइज आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये दिखाई देता है, फुल ब्लैक कलर में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इमेजिंग क्वालिटी वाला स्पाइडरमैन की आईज बनी हुई है। यहां से अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर एक चैन लगी हुई है, देखो है ना, इसके अंदर आप सामान रख सकते हो, और बहुत ज्यादा सामान इसके अंदर आ जाता है क्योंकि इसका साइज देखो गाइस, नॉर्मल जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो इतना ही मोटा होता है, बट गाइस ये 3 गुना साइज का है। और गाइस ये देखो यहां से अगर आप इसे ओपन करोगे तो गाइस ये देखो यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है, इसके अंदर स्पंज डला हुआ है ताकि ये पिचके ना, है ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू है गाइस इसलिए। और गाइस देखो चैन में यहाँ पे स्टार बना हुआ है इसके, काफी औसम लग रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये पेंसिल पाउच है ना। इसको आप पर्स की तरह भी यूज कर सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हो। तो गाइस इसको मैं साइड में रख लेता हूं। और हमारे पास है यहाँ पर बेन 10 के ग्लव्स, ये देखो यही मैं आपको बेन 10 के नहीं आयरन मैन के ग्लव्स, मतलब मुझे लगा है स्पाइडर मैन है, बट गाइस ये आयरन मैन वाले पैटर्न में आते हैं। देखो यहाँ पे आयरन मैन बना हुआ है ना, एक्चुअल में देखो यहाँ पे सारी चीजें स्पाइडर मैन वाले पैटर्न वाली दिख रही है, बट गाइस ये आयरन मैन वाला टॉय है, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और गाइस ये देखो हमारे पास है कुछ इस तरह का एक एवेंजर स्पाइडर मैन वाला बहुत ही अमेजिंग सा वॉकी टोकी, सेम वैसा ही वॉकी टोकी है जैसा कि वो वाला था, है ना, आप देख सकते हैं उसी तरह से ये वाला वॉकी टोकी भी वर्क करता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास और भी टॉय है, ये देखो यहाँ पर गाइज मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स है कुछ इस तरह का, ये देखो ये प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, स्पाइडर मैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, और काफी कूल है गाइज ये। यहां से आप इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो इसके अंदर ट्रे बनी हुई है, यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, बहुत ज्यादा स्पेस है ताकि आप इसके अंदर सामान स्टोर कर सको। और सामने से जो ये पैटर्न बना हुआ है ये देखो अलग ही टाइप का पैटर्न है, ये देखो स्पाइडरमैन जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ इस तरह से अलग से स्पाइडरमैन इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर लगाया गया है,
पीछे से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। देखो दोनों साइड इस ज्योमेट्री बॉक्स में स्पेस है ना, कितना अमेजिंग, बहुत ही कूल दिखाई दे रहा है। ब्लैक और रेड स्पाइडरमैन यहाँ पे काफी अमेजिंग दिखाई दे रहे हैं। और गाइज हमारे पास है यहाँ पर एक स्पेशल स्पाइडरमैन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो है ना। और गाइज कितना मोटा ज्योमेट्री बॉक्स है आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक शार्पनर, एक इरेजर, एक स्पाइडरमैन वाली पेंसिल और एक स्पाइडरमैन वाला स्केल। और अगर आप इस ट्रे को हटाओगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है गाइज, ये देखो है ना, बहुत ज्यादा स्पेस है। नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स है तो काफी ज्यादा अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है ये। तो गाइज वापिस से इसका सामान लगाते हैं और गाइज मैं इसको पीछे से भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो यहां से अगर हम इसको बंद करेंगे तो गाइज ये देखो ये नीचे से भी ओपन हो जाता है। और इसके अंदर में एक मैजिकल मार्कर देखने को मिलता है। देखो हमारे पास एक मार्कर है, अगर हम इस मार्कर को यहां पे चलाते हैं कुछ इस तरह से, और गाइज जो इस मार्कर के आगे यहां पे ब्रश लगा हुआ है कुछ इस तरह सा, इससे आप इसको इरेज कर सकते हैं। ये देखो एक सेकंड में इरेज हो गया, ये देखो है ना, बहुत ही अमेजिंग है। आप इसको मान लीजिए यूज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो आप इसको बहुत ही आराम से इरेज कर सकते हैं। ये देखो कितना इजीली, कितना स्मूथली इरेज हो गया, इसलिए इसको मैजिकल मार्कर कहा जाता है, जो कि हमें इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ देखने को मिलता है। ओवरऑल आप देख सकते हैं काफी बड़ा काफी मोटा ज्योमेट्री बॉक्स है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर एक बेन 10 वाला कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा कार का सेट, जो कि रिमोट कंट्रोल कार है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बॉक्स पे बेन 10 लिखा हुआ है, बेन 10 यहाँ पे बना भी हुआ है, ये देखो है ना। और गाइस जो कार है वो नॉर्मल कार है, कार के ऊपर कोई बेन 10 वाला पैटर्न नहीं बना हुआ है। ये देखो यहां से मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। और गाइस ये देखो कुछ ऐसा ये दिखाई देता है, बहुत ही स्पेशल है गाइस। और बैटरी मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल रखी है। पहले आप कार का डिजाइन देखो, वाओ कितना औसम इसका डिजाइन है गाइस। ये देखो नीड फॉर स्पीड रेसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप टायर देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, साइज आप देख सकते हैं, पीछे से आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। ये इसका प्यारा सा रिमोट कंट्रोल जो कि आप मिराज में देख सकते हैं, दो बैटरी इसके अंदर डालनी होती है। और गाइस ये देखो इससे ये पीछे भागता है, इससे ये आगे भागती है। और गाइस आप देख सकते हैं कितनी स्पीड है। और इसकी वायर का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है गाइस, ये देखो इतना ही बड़ा इसकी वायर का साइज है। बट गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी रिमोट कंट्रोल कार है गाइस ये, वाओ बहुत ही ज्यादा औसम है, बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगी अगर हम इसको फर्श पे चलाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पाइडरमैन और बेन 10 वाले टॉयज दिखाए हैं। अगर आपको इन सभी में से एक भी टॉय पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में अमेजिंग अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।